ये एक्स आप लोग लिख के क्या दो यार शुभम भाई, ये क्या मिलता है यार ये रोज रोज एक्स अरे एक्स तंग आ मैं गया हूँ अपनी यार मैं बात रख, इससे। इसका नाम शुभम है, मैं अपनी बात, इतना सुंदर नाम हाँ रख के, इतना नाम, तेरे माँ बाप ने इतना सुंदर नाम दिया, तेरे को शर्म आनी चाहिए भाई। इतना सुंदर नाम यार शुभम, यार यानी शुभ आपने से देखे अच्छा फिर और कॉलेज क्या में नाम देंगे। विद्यार्थी, विद्यार्थी किसी का हाँ नाम नहीं होता, विद विद्यार्थी किसी का नाम नहीं भाई, होता। हाँ सुन अब मैं बताता हूँ, विद्या जिसका अर्थ है वो है विद्यार्थी, हाँ जिसके पास पैसा वैसा नहीं है, विद्यार्थी जिसके पास बस ज्ञान है नाम, वो है आखिरी नाम विद्यार्थी, बताता गलत हूँ। है, नहीं, विद्यार्थी का रुक अर्थ ही गलत है। विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या धन अर्थी, जो विद्या की अर्थी निकाल दे वो मैंने कहा विद्यार्थी। असली नाम। वाह नटराज आशीष जी, अरे हाय हाय हाय। विद्यार्थी का नाम नहीं सुना, आशीष विद्यार्थी। नहीं मैंने मैंने सही बताऊं तो मैंने पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के ऊपर रखा था, आर्य समाज के यानी स्वामी दयानंद को अंतिम बार देखने वाले व्यक्ति जो थे अरे ये उनके नाम एक्स पे ह्यूमन रखा जी, था। किसी हाँ को एक्स ह्यूमन सर बताइए दूसरे क्या को। कह रहे हैं। हाँ सर मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ। बोलो बोलो शुभम भाई बोलो। ये जो श्री राम पहले आए थे या फिर बहुत पहले आए थे, पहले आपसे क्लियर करना यार चाहता हूँ। ये सवाल आप लोग कितनी बार पूछोगे, मतलब ये सवाल का जवाब मैं कितनी बार दे चुका हूँ, और मतलब सिर्फ हाँ या भाई ना अगर बोलिए, सिर्फ आपको नहीं हाँ या ना बोले हमारा एग्जाम ना रुका, हाँ नहीं, एग्जाम पूछ रहा लेने हूँ आए हो मैं। क्या मेरा, आप आपने क्या ओपन मतलब क्या इनविटेशन हाँ या रखा है ना ना, बोलूं, मैंने बोल दिया ना अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हो, मैंने कई बार हर स्ट्रीम में, अभी तो हमने जो सुनी है ना, हमने जो स्पीडजर वाली वो स्ट्रीम की थी स्पीडजर मैन्युस्क्रिप्ट वाली, उसके जो पार्ट टू पार्ट थ्री है वो जाके देखिए, उसमें हमने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है। तो आपको ये थोड़ी है यार अब तो आप आप उड़ते हुए आएंगे और कहीं से ये पूछेंगे कौन पहले आया सुने कौन सुने पहले सुने नहीं आया, सुने सुने, एक मिनट बताइए। एक मिनट रुकिए। जो राम, श्री राम गौतम बुद्ध से पहले आए, ठीक है, आप ये मानते हैं, हाँ तो रामायण में अयोध्या कांड 103 सर्ग 34वां श्लोक में बुद्ध का नाम क्यों आया? यार मुझे बात करनी थी प्लीज सनातन देवी जी, वो जो आप भेज रहे थे ना कि रामायण में बुद्ध जो बुद्ध हैं जिन जो जो बुद्ध का उल्लेख आया है तो वो चंद्रमा के बेटे बताए गए ना, जरा भेजना मेरे को मतलब चंद्रमा। जो बुद्ध, और तो सुनो, वो चंद्रमा इला का के बेटे साथ शादी करते हैं, मतलब वो इला 1 महीने स्त्री रहती थी तो उसके साथ संभोग करते थे, फिर 1 महीने बाद उसको छोड़ देते थे, फिर 1 महीने फिर पकड़ लेते थे। एक मैं मिनट, भेजता हूँ रुको। मतलब आप जो आपका कहना है कि जो ये अयोध्या कांड में जो बुद्ध अरे नाम आया है बाबू वो, मेरे सोना मेरे हाँ बाबू पूरी बात सुनो सुनो, आपने कहा कि रामायण में बुद्ध का उल्लेख आया है, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा कि कैसे आया है क्यों आया है और किस संदर्भ में आया, चलो वो भी मैं ठीक। दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप जो ये क्लेम कर रहे हैं ना कि रामायण में भगवान बुद्ध का उल्लेख आया है, तो रामायण में बुद्ध का उल्लेख और भी आया है, तो अगर आपको वो वाला श्लोक याद आ रहा है कि भैया इस श्लोक में भगवान बुद्ध का उल्लेख है, तो अन्य श्लोकों में भगवान बुद्ध का उल्लेख है उससे क्यों पीछा छुड़ा रहे हो। अन्य श्लोकों में यह भी सर कहा गया वो है कि जो बुद्ध थे आया वो होगा, चंद्रमा के आया होगा, पुत्र थे, सुनो मैं नकार अन्य नहीं रहा श्लोकों हूं। में सुन लो भाई, हाँ यार तुम पूछने आए हो कि बताने आए हो, पूछने आए हो ना तो पूछो और मैं बोलो बता रहा हूँ बोल सुनो। बोलो। मैं हाँ ये कह रहा हूँ भाई भाई कि जो रामायण है ना, तो रामायण में जो है वो बुद्ध का उल्लेख अन्य जगहों पर भी आया है, अन्य प्रकरणों में उनको चंद्रमा का पुत्र बताया गया है, और इला से वो जो है वो संबंध बनाते हैं विवाह करते हैं, और ये भी प्रकरण है, तो अभी दिखाएंगे आपको वो भी दिखाएंगे, आपके ज्ञान चक्षु खोलेंगे, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना चाहिए और आधी अधूरी बात नहीं जाननी चाहिए। और जो आप पूछ रहे हैं ना कि रामायण में बुद्ध का उल्लेख आ गया, तो इससे रामायण जो है, पहली बात आपको मैं बता दूं कि रामायण के हाँ चारों संस्करणों में यानी तथागत कि बुद्ध, मैं क्या बोल रहा हूँ, नाम तथागत बुद्ध, सिर्फ बुद्ध नहीं तथागत बुद्ध। इसमें चलो पढ़ो खोल के दिखाओ अगर है तुम्हारे पास तो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो आ आ रही रही है है, आपकी आवाज आ रही है, अब तो ये इनको बताना है ना कि उसमें है या नहीं है, तो ये बताएंगे ना कि है या क्या नहीं है है? क्या नहीं है। हाँ कुशवाहा जी, मैंने प्राइवेट में डाल दिया है उसका सर्ग, हाँ 87 ठीक है बोलिए एक बार। ठीक, अभी खोलता हूँ बस। एक्स ह्यूमन भाई, एक्स ह्यूमन ही नाम रहने तो नाम मत चेंज करो, ये एक्स एक्स लिख के आओ भगा दूंगा मैं। क्यों नहीं, मेरा नाम मैं रखूंगा, आप क्यों रोकेंगे?
आपकी स्ट्रीम में आया तो नहीं तो नाम एक्स मेरा है ह्यूमन ना, क्यों नहीं, एक्स ह्यूमन क्यों, एक्स क्या होता है? एक्स एक्स होता है बाहर निकालना, अरे अरे छोड़ो ना इनको, दूसरे जिसको अकल आ गई हो मिलवाते उसका हैं। नाम एक्स होता है। ठीक है, मेरी एक्स को अकल आ गई थी, जिसको अकल आ गई जिनको उसका नाम अकल आ गई है एक्स उनका जिसको नाम अकल आ गई वो एक्स एक्स होता होता है। तो एक्स बुद्धिस्ट भी तो होता है, मुझे जिसको एक अकल बात आ गई बताओ वो ये एक्स होता आप, है, तो एक्स बुद्धिस्ट भी तो होता है। हाँ अब बोलिए, अब नहीं बोलना, आप एक्स अब ह्यूमन है तो बोलना। क्या मतलब आप जानवर हो गए हो? एलियन हो गए, एक्स 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 ह्यूमन हो गए, वो अकल आ गई उनको, इवोल्यूशन हो गया उनकी नहीं अकल नहीं का। इन, इनका इन, इनका एवोल्यूशन हो गया, कुशवाहा इनका एवोल्यूशन हो गया। जी दिखाओ ना इनको, बुद्ध दिखाते हैं, स्वर्ग 87 में है, दिखाओ। एक मिनट भाई, मैं पहले बता रहा हूँ उत्तरकांड को मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर अरे आप मानते हैं। ये अयोध्या कांड शुभम का जी दिन यही है, कोई मानते हैं ना? दिक्कत नहीं। अरे ये एक्स अयोध्या कांड का बात, भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई अरे एक्स दिक्कत भाई नहीं, रुको, मैं अपनी उत्तरकांड। साइड मुझे पे एक बात हूँ, वो भी बताइए, दिखाएंगे। अरे वो भी रामायण दिखा, में अरे एक्स भाई, अरे एक्स भाई भाई यार एक वो भी बात दिखा रख दी देंगे। है, एक ही बात पे रहो यार। आपने तो जो भेजा तो फिर शुरू से है यार, अब कहाँ मैं ढूंढूँ वो सर्ग? अरे स्क्रॉल कर लो ना सर, मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, रुको फिर। नहीं तो स्क्रॉल करने के लिए भेजो तो सही, कौन सा सर्ग है? चलो मैं पढ़ दूँ क्या सर वो सर संस्कृत सर्ग में? 87। अरे अरे हाँ भैया वो अभी संस्कृत रुक पढ़िएगा, जाओ, अभी पढ़िएगा, अभी वो पढ़िएगा, भी पढ़वाएंगे, वो भी मैं इसे पढ़ाएंगे, पढ़ता कोई हूँ दिक्कत। सर्ग 87। मेरे अरे पास है, भैया मैं रुक पढ़ूँ? जाओ ना, रुक अभी जाओ पढ़ा, यार। अभी पढ़वाएंगे ना आपसे, क्यों परेशान हो? पहले एक चीज खोल लें, उसको अरे देखने दो। शांति शांति, कोई कहीं नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, शांति, टेंशन कोई कहीं नहीं जा रहा, हम नहीं जा रहे, उत्तरकांड। आप नहीं जा रहे, क्या टेंशन है? तो सुनिए, देखिए ये कह रहे हैं ना कि बुद्ध नाम आ गया वहां पे, हालांकि मैं उत्तरकांड को ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ, लेकिन इनके लिए उत्तरकांड बहुत प्रिय है क्योंकि उसमें शंभुक का वर्णन है, तो इनके लिए तो वो सदा सर्वदा ऑथेंटिक रहेगा। अब ये है उत्तरकांड, रामायण उत्तरकांड, गीता प्रेस गोरखपुर वाली से 88वां सर्ग। कुशवाहा जी जूम कर दीजिए इसको। 88वां सर, हाँ अरे कुशवाहा जी स्क्रॉल मत करिए, जूम करिए। हाँ बस बस बस, तो अभी इसका टाइटल पढ़ते हैं हम। इला और बुद्ध का एक दूसरे को देखना तथा बुद्ध का उन सब स्त्रियों को किमपुरुषिक नाम देकर पर्वत पर रहने के लिए आदेश देना। अभी यहाँ पर क्या कहानी है, इला नाम का राजा था, उसको किसी वजह से वो स्त्री में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद नीचे आइए कुशवाहा जी, नीचे इस पेज पे नीचे, ये रहा, ददर्श सा इला तस्मिन बुद्धम। भाई नोट कर लो, बुद्ध आ गया यहाँ पे, बुद्धम सोम सुतम तदा जबलंतन स्वेन वशु वशुषा वपुषा पूर्ण सोम सोममी वोदितम। उस सरोवर में सोमपुत्र बुद्ध, कौन से बुद्ध भाई, सोमपुत्र बुद्ध तपस्या करते थे, जो अपने तेजस्वी शरीर से उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। नीचे करिए, उन्होंने इला को देखा। नीचे करिए कुशवा जी, 10वां देखते हैं हम श्लोक, यहाँ भी बुद्ध आया भाई, ठीक है। हाँ कुशवा जी नीचे करना 10वां श्लोक। हाँ, करिए करिए। अब बस, वे जल के भीतर तीव्र तपस्या में संलग्न थे, उन्होंने पराभूत करना किसी के लिए अत्यंत कठिन था, वे यशस्वी पूर्ण काम और तरुण अवस्था में थे। रघुनंदन उन्हें देखकर इला चकित हो उठी। अब नीचे करिए कुशवाहा जी, अब मजा आएगा। हाँ बस 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 बस, इस त्रिलोकी में सबसे अधिक सुंदरी थी, उसे देखते हुए बुद्ध का मन उसी में आसक्त हो गया और वो सोचने लगे वह कौन सी स्त्री है, वो देवांगनाओं से भी बढ़कर है। हाँ, ना देवनिताओं में, ना नागवधुओं में, ना असुरों में, स्त्रियों में, ना अप्सराओं में ही मैंने कभी पहले इतनी मनोहर रूपी सुशोभित करने वाली स्त्री देखी है। यदि यह दूसरे की ब्याही ना गई तो सर्वथा मेरी पत्नी बनने योग्य है, ऐसा विचार करके वे जल से निकलकर किनारे आए। इसके आगे बहुत कुछ होता है भाई, अब यहाँ भी बुद्ध का नाम आया है, तो मान लो मैं बुद्ध सोमदत्त के पुत्र थे और वो इला से शादी कर रहे थे, जबकि इला एक पुरुष था जो किसी वजह से स्त्री हो गया था। हाँ और भाई, ये अगर आप पूरा प्रकरण पढ़ोगे ना, एक्स भैया, ये जब आप पूरा नहीं अरे प्रकरण रुक जाओ, पढ़ोगे, अरे रुक जाओ, नहीं नहीं एक एक्स मिनट भैया यहाँ तो भर भर के बुद्ध है भाई, उधर तो, एक मिनट एक रुक ही जगह पे जाइए। बुद्ध, उधर तो एक ही जगह पे बुद्ध देख लिए, तब से तुम मतलब यार हथौड़ा उठा के बैठे हो कि उधर हमारे बुद्ध के बारे में लिख दिया। यहाँ तो भर भर के बुद्ध है, और यहाँ जिस बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है, क्या उनका संबंध है आपके बुद्ध से? गौतम बुद्ध ने इला से विवाह किया था, वो सोम के पुत्र थे। मुझे एक बात बताइए, राम का अस्तित्व कितने साल पहले था? रामायण में आए इस वही मैं बुद्ध ले का, लेना गौतम बुद्ध से क्या लेना देना आपसे, है, कनेक्शन क्या है? तो मुझे एक बात बताइए, राम का अस्तित्व कितने परसों साल पहले था? कितने साल पहले था? परसों था भाई, बोल आगे बोल। 5114 की था बुद्ध का कभी, कितने साल मैंने पहले था, देखा बुद्ध का कितने साल पहले था, बुद्ध का 2500 साल पहले।
2,500 साल पहले का, 2,500 साल पहले का कोई भी एक सिंगल एविडेंस दे दे जो ये साबित करता हो कि भगवान गौतम बुद्ध, ये रामायण में जिस बुद्ध की बात, ये रामायण में जो बुद्ध आए हैं वो सोम के पुत्र हैं, ठीक है, वो इला राम की स्त्री से शादी करते हैं, इनका गौतम बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई अकल का अंधा रामायण में आए बुद्ध को गौतम बुद्ध से जोड़कर देख रहा है, तो मैं उसको अकल से भी अंधा मानूंगा और नजर से भी अंधा मानूंगा, और ये भी मानूंगा कि उसको कुछ आता जाता नहीं है। तो भैया हर जगह अपना बाप ढूंढना बंद कर दो, बुद्ध नाम किसी के बाप का कॉपीराइट नहीं है, बुद्ध शब्द खुद संस्कृत का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्ध शब्द एक विशेषण है और यह विशेषता प्रदर्शित करता है। अगर यहाँ भगवान गौतम बुद्ध की बात करनी होती तो उनका रियल नेम सिद्धार्थ था, यहाँ पर सिद्धार्थ लिखा होता। अगर यहाँ पर बुद्ध लिखा है तो आप ये कैसे तय कर सकते हो कि किस बुद्ध के बारे में लिखा है? और तथागत और बुद्ध ये दोनों ही शब्द जो है ये विशेषणार्थ है, न कि व्यक्तिवाचक है, ये विशेषण स्पष्ट करते हैं किसी व्यक्ति विशेष का, ये गुण बोधक है हो न गया कि आपका, व्यक्तिवाचक है। हो हो नहीं गया, गया। इसका जवाब दो। ये जो बुद्ध है क्या इन, यहाँ जो बुद्ध का प्रकरण लिखा है ये रामायण में, कि बुद्ध जो है वो क्या नाम है इला से विवाह कर रहे हैं, ठीक है, और सोम के पुत्र हैं, तो ये बुद्ध तो यहाँ सोम के पुत्र हैं और इला से विवाह कर रहे हैं, जबकि गौतम बुद्ध तो भैया सुद्योधन के पुत्र थे और वो क्या नाम है वो उनका विवाह तो यशोधरा से हुआ था। तो भाई दोनों में कोई समानता है? ये रामायण में बुद्ध कहाँ से खोजने आ गए तुम? पूरी कहानी अलग है दोनों की। जब मैंने दोनों ये की चैप्टर नहीं कहानी ही पढ़ा अलग था। है, गौतम बुद्ध, देख गौतम बुद्ध का प्रकरण अलग है, इसमें सोम के पुत्र बुद्ध का प्रकरण अलग है, तो तुम ये दोनों को एक इंक्लूड करके कैसे जोड़ रहे हो? तुम्हारी बुद्धिमानी यही कुछ है? तुम लोग आगे क्यों नहीं ले नहीं जाते हो बात? तुम लोग के साथ प्रॉब्लम यही है। ये तुम्हारे बुद्ध है कि नहीं है, खत्म करो बात को। आपने जो बताया वो नहीं है, और मैंने जो बताया वो है। तूने क्या बताया? तूने अभी तक ये वाला चीज का बताया नहीं ना यार आगे। तो बोल रहा हूँ ना, बोलो क्या अभी? तो बता, इसका ही बोलना, फिर रामायण ये जो मत मैंने जाना कि वो क्या था कब इसका था, ये नहीं। सब नहीं चाहिए यार। अरे फिर रुको इसका रुको नहीं रुको, बोलता मेरी है, पहले इसको सुनो। खत्म करना है यार, नहीं सबसे बोल रहा हूँ। नहीं सुन मेरे भाई, एक बात बता, ये वाले बुद्ध का क्या करना है? यहाँ पे जो बुद्ध आया उसका क्या करना है? उसे मैं नहीं मानता, ये स्किप छोड़ करना है, दीजिए आप, छोड़ दीजिए, मतलब स्किप कर स्किप करना दीजिए। बोल रहे हो, हाँ है ना, ये बोल हाँ रहे। और यहाँ पे जो बुद्ध हाँ आया है वो उस शब्द को क्या करेंगे? एक मिनट रुक जाए, मैं तेरे वाले आपको बुद्ध जो है कि पढ़ रहा नहीं? हूँ उसे तेरे वाले मैं बुद्ध है पढ़ कि रहा नहीं हूँ है उसे ये आप। भाई? जब यही रामायण है, ठीक है, रामायण तो यही है, आप जो आपके पास जो रामायण पड़ी हुई है वही रामायण खोल लीजिए, और ये वाला प्रकरण खोलिए ना, ये वाला प्रकरण चलो खोलिए, ये ठीक जो है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि ये इला वाला प्रकरण जो है यहाँ पर, ये प्रकरण जब इसमें भी बुद्ध के बाद यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बुद्ध जो है सोम के पुत्र हैं और बुद्ध के मुख से निकला हुआ वह शुभ वचन मधुर पदावली से युक्त मीठा था, उसे सुनकर सब स्त्रियों ने मधुर वाणी में कहा, क्या कहा? ब्राह्मण, यह सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी है, इसका कोई पति नहीं है, यह हम लोगों के साथ अपनी इच्छाओं के अनुसार प्रांत में विचरती रहती है। तो भाई यहाँ पर तो, यहाँ पर जो जो बुद्ध है रामायण में, जो बुद्ध है जो सोम के पुत्र हैं, वो तो भाई इला से विवाह कर रहे हैं। तो ये अगर बुद्ध आपके नहीं है तो इसी रामायण का, इसी रामायण में जो पहले एक जगह बुद्ध का उल्लेख आया है तो वो आपके दादा हो गए, और इसी रामायण में ये जो बुद्ध का उल्लेख आया इनसे आप नहीं, पीछा छुड़ा रहे हैं। भाई ये एक दोहरापन मिनट रुक क्यों है, जाइए, कैसे? एक मिनट रुक जाइए। आपने जो कहा, मैं अभी वही बोल रहा हूँ। आपने अभी कहा कि जो जो अभी जो आपके सामने जो स्क्रीन पे आए, वो जो बुद्ध है वो हमारे बुद्ध नहीं है। तो फिर मैंने जो हाँ तो आपको वो भी वो श्लोक बुद्ध दिया है आपके नहीं है ना, तो वहां भी जो बुद्ध आए वो हैं ना भी वो, उनसे भी आपका कोई लेना देना नहीं है, जबरदस्ती उनसे कहीं चेप हो रहे हो, वो जो आपने बताया वो आप ही के वीडियो में क्योंकि बताया है कि वो बुद्ध का नाम रामायण में नहीं। जिसको बुद्ध एक मिनट कहा मेरी गया है, बात, रामायण में जिसको बुद्ध, सुनो मैं पहले, बीच में क्यों बोल रहा तुम्हें हूँ? खुद कुछ नहीं पता है, तुम्हें खुद कुछ नहीं पता है, तुम आधी अधूरी बात क्यों करना चाहते हो? तुम खाली उसी प्रकरण को भी क्यों बात करना चाहते हो? यहाँ कहाँ भाग रहे हो? अगर वो बुद्ध तुम्हारे हैं तो ये भी बुद्ध तुम्हारे हैं, और अगर ये बुद्ध तुम्हारे नहीं है तो वहां भी तुम्हारे बुद्ध का उल्लेख नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू रामायण की बात करोगे तो रामायण में जिस बुद्ध की बात की गई है वो बुद्ध सोम के पुत्र हैं, ठीक है? तो तुम्हारे मन मर्जी नहीं चलेगा कि रामायण में तुम अपना बाप जब मन करेगा तो तुम अपना बाप ढूंढ लोगे, और जब जहां जिस श्लोक में मन करेगा बाप बदल के भाग बाप, एक जाओगे। मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, बात मत जाइए। नहीं तो तुम ऐसे मैं उल्टी आपसे सीधी नहीं बात क्यों कर रहे हो? नहीं उल्टी अगर सी मैं ये उल्टी बुद्ध सीधी आपके बात, नहीं है तो वहां भी आपकी एक बात मिनट रुक नहीं है। जाए। हाँ मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, फिर बाद में अपना प्रवचन दीजिए आप।
8 घंटे प्रवचन देते हैं, प्रवचन तो आप आप दे रहे सुबह तक हो, प्रवचन दीजिए। यहाँ जब देख रहे हैं कि यहाँ प्रवचन पर इज्जत मेरी, चली जाएगी तो यहाँ बाप बदल दिया सीधे, मुझे कह रहे हैं मेरे मुझे बाबूजी सोना ने, है, तो सुबह काम पे जाना है, आखिरी में आपसे बात सो कर जाता लेता हूँ। भैया। आप, हाँ आपके पास टाइम ही टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है। 1 मिनट रुकिए, आपने अभी कहा कि ये जो बुद्ध है वो हमारे बुद्ध नहीं है, मैंने ऐसे कहा। और आगे पहले जो मैंने आए बरबर आपको जो श्लोक दिया था उसमें आपने वीडियो चलाया, उस वीडियो में आपने बताया कि इस जो बुद्ध बता रहे वो बुद्ध नहीं है, बुद्धिजीवी है। सही बात है, भाई वहां पर जो बुद्धस्त तथागत शब्द जो आया है, अगर उसका संधि हाँ विच्छेद करोगे तो उसके अर्थ और हाँ प्रकरण अलग निकलते हैं ना, कि तुम्हारे बुद्ध, तुम तो बस क्या बुद्ध और है, तथागत क्या घुसेड़ है, के बैठ गए कि बस यही है। क्या है, लेकिन हम उसका तुमसे ये अर्थ पूछ क्या है, रहे हैं कि अगर ये उसका वाले अर्थ बुद्ध क्या तुम्हारे है, हैं तो वो वाले बुद्ध तुम्हारे क्यों नहीं है? वो उसका अर्थ क्या है मुझे बताइए। मैंने आपने तुम जो बताओ ना, श्लोक दिया है बुद्ध उसका बुद्ध अर्थ क्या है? व्यक्तिवाचक है या गुणवाचक है? बुद्ध शब्द व्यक्तिवाचक है या गुणवाचक है? वो नहीं पता मुझे। तो जब तुम्हें यही नहीं पता तो तुम क्या बात करोगे हमसे? तथागत शब्द व्यक्तिवाचक या गुणवाचक है? तथागत शब्द गुणवाचक या व्यक्तिवाचक है? मैं बस इतना जानता हूँ कि रामायण में बुद्ध तुम शब्द कुछ नहीं आया है जानते हो, तुम कुछ और नहीं बुद्ध जानते हो। जो तुम्हें जानना चाहिए तुम्हें, तो उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। अब तुम्हें ना बुद्ध शब्द का अर्थ मालूम, फिर यार ना तुम्हें तथागत शब्द का मिनट मालूम। मैं आपको उत्तर जब देता तुम्हें हूँ तुम्हारे ही दो शब्दों के अर्थ, आपके। जिस पर तुम क्लेम कर रहे हो मेरे भाई, जिस दो शब्दों पर तुम क्लेम कर रहे हो, वो दोनों शब्द के तो अर्थ ही तुम्हें मालूम नहीं है, तो तुमसे दोनों, क्या बात करूंगा मैं? 1 मिनट रुक जाए, मैं आपको उसका अर्थ भी दे दूंगा, मुझे अभी गूगल नहीं पता है। मारोगे? समझे, 1 मिनट, सनातन जी 1 मिनट मुझे। तुमसे वो सिर्फ दोनों भाई इतना स्क्रीन, पूछा है मैंने, सिर्फ इतना हाँ पूछा है कि बुद्ध शब्द जो है दोनों ये स्क्रीन भेज दी गुणवाचक मैंने। है या व्यक्ति विशेष है? हाँ ठीक है नटराज जी, मैं देख रहा हूँ अभी, वो भी दिखाऊंगा इनको, वो गुणवाचक है या व्यक्तिवाचक है, बस इतना पूछ रहा हूं भाई मैं। व्यक्तिवाचक। बुद्ध शब्द व्यक्तिवाचक है? अच्छा, तो फिर गौतम बुद्ध से पहले जो 28 बुद्ध हुए हैं उनको बुद्ध क्यों कहा जाता है? फिर सिद्धार्थ को ही बुद्ध नाम ये मिला होता। 28 बुद्ध हुए थे, ये कहाँ लिखा हुआ है? 28 बुद्ध हुए ये अच्छा कहां लिखा हुआ है? हाँ, तुमने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, मतलब आपने कहाँ पढ़ा? त्रिपिटक में लिखा हुआ है, त्रिपिटक में लिखा हुआ है। हाँ रेफरेंस दीजिए, त्रिपिटक में मैं देख लिखा हुआ है, लूंगा, रेफरेंस उसका खुद्दुक निकाय के दीजिए, अंतर्गत मैं जातक नोट कथा, खुद्दुक नोट। निकाय के अंतर, त्रिपिटक के खुद्दुक निकाय के अंतर्गत जातक कथा आती है। जातक कथा में 2800 बुद्धों के बारे में लिखा हुआ है, और अभी 28 नहीं, कथा में 100 से आता है ऊपर बुद्धों के ना, बारे में कथा लिखा में हुआ है। आता है ना, अरे भाई कथा तो में वो आता कथा है ना, तुम्हारी है, तो वो कथा तुम्हारी है ना कि हमारी कथा है? जातक कथा, और बुद्ध से, और सुन लो अरे इधर, बुद्ध से पहले कथा भी, बुद्ध क्या, से कथा पहले भी बुद्ध वो हुए हैं, बुद्ध एक वंश बुद्ध से पाली है पहले ना, भी, उसमें भी आता है, और बुद्धवंश बुद्ध से पाली है नहीं, उसमें भी अभिलेखीय आता है प्रमाण दे जातक देते हैं ना कथा में। नटराज जी, बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए हैं, ये तो सम्राट अशोक ने भी अपने अभिलेखों में लिखवा रखा है। कोणागमन कश्यप का नाम अशोक भी लिखवा के गया है। तुम्हें कुछ मालूम है? कुछ मालूम है मुझे तुम्हें? बस इतना अगर ये मालूम है, व्यक्तिवाचक नाम था, अगर बुद्ध व्यक्तिवाचक था तो फिर बुद्ध एक ही होने चाहिए थे। ये गौतम कश्यप को भी बुद्ध कहा गया, कोणागमन को भी बुद्ध कहा गया, क्यों कहा गया भाई? और सिद्धार्थ को भी बुद्ध अरे कहा हम गया। भी इससे ये साफ साफ पता चलता है कि ये गुणवाचक था, और जो व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त कर लेता था उसको बुद्ध कहा जाता था। ये कहीं से भी व्यक्तिवाचक तो नहीं लगता, तुम जबरदस्ती इसको व्यक्तिवाचक बना रहे हो। तुम्हें खुद कुछ भी मालूम नहीं, और तुम चले आए बिना कुछ जाने नहीं, हमसे डिबेट करने के लिए इस टॉपिक पर। अगर किसी की जानकारी आधी अधूरी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं आना उसे चाहिए कुछ भी अगर किसी मालूम की नहीं। जानकारी नहीं है ना। सुनो, नहीं अगर किसी की जानते, जानकारी मतलब नहीं है, आपके सुन लो हिसाब भाई, से, भाई भाई हाँ मैं बताता हूँ, अगर पिछवाड़े में दम ना हो ना तो लंका में कूदे नहीं जाना चाहिए। बात सीधी करिए, बात सीधी कीजिए, सीधी कर आपके रहा पास हूँ उत्तर मैं, नहीं है। सीधी कर रहा अरे हूँ, एक्स, मतलब ये सुनो, कोई आर्ग्यूमेंट बीच में नहीं कोई होता बात ना कि बोलिए भाई, लंका पिछवाड़े में। बीच में मत बोलिए प्लीज भाई। एक्स, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। वो एक कहावत सुनी है, नहीं था स्थान विशेष में गूदा तो लंका में काहे कूदा? सुना है कि नहीं सुना है? हमारे यहाँ बड़े चलता है, हमारे गांव देहात में ये प्रकरण बहुत अच्छा चलता है, कि नहीं था स्थान विशेष में गूदा तो बाबू लंका में काहे कूदा। तो जब तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, तुम जिस विषय पर तो हमसे लंका बात से, करने के लिए आए हो, सुन लो पहले इधर, तुम जिस विषय पर हमसे बात करने के लिए आए हो उस विषय के बारे में तुमको ABCD कुछ मालूम ही नहीं। तुम बुद्ध खोज रहे हो रामायण में और तुमको बुद्ध शब्द का अर्थ नहीं मालूम?
तुम तथागत खोज रहे हो रामायण में, तुमको तथागत शब्द का अर्थ नहीं चलो मालूम, ठीक है, एक तुम्हें मिनट ये भी एक नहीं मिनट मालूम कि ये भैया, दोनों शब्द किसके हैं, हाँ तुम्हें तो यह भी नहीं मैं मालूम कि ये आपको दोनों शब्द जो है ये किस भाषा से है। ये इधर उधर ले जाके कंफ्यूज मत इधर उधर ले कीजिए। जाके नहीं भाई, तुम अगर किसी यहाँ भी पे पढ़े लिखे व्यक्ति से इसका बात अर्थ करोगे, तुम एक काम करो, तुम सुनो, तुम एक काम करो, तुम्हारी जमात में ना जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी उसको भेजो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हें यही नहीं मालूम कि बुद्ध शब्द विशेषण है या व्यक्तिवाचक है, तुम्हें जब इतना कॉमन सेंस नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, तुम उसी रामायण में एक जगह बुद्ध को अपना बता रहे हो, उसी रामायण में एक जगह बुद्ध को कह रहे हो कि हमारे नहीं है, ये कैसे चलेगा यार, एक मिनट रुक दोहरी जाइए। बात क्यों कर रहे हो? हाँ जो मैंने आपसे कहा जो हमारे बुद्ध का नाम आया है वो श्लोक में मैं आपको पढ़ भाई के सुनाता तुम्हारे हूँ। बुद्ध कैसे हो सकते हैं? बुद्ध तो भैया किसी का नहीं है ना, बुद्ध तो कॉपीराइट थोड़े है किसी का, बुद्ध शब्द तो व्यक्तिवाचक नहीं है, गुणवाचक है। बुद्ध जो शब्द जो तो मानता है महावीर उसे मैं ले रहा बुद्ध हूँ। शब्द सुनो, बुद्ध शब्द तो भगवान महावीर के लिए भी आया है, तो वो तुम्हारे चलो बुद्ध ठीक है, हैं? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, सब बात मैं बुद्ध आपकी शब्द सब तो बातें भगवान मान लूँ। कुशवाहा महावीर के लिए जी, भी आया है। एक मिनट रुक कुशवाहा जाइए, जी एक मिनट भाई, अरे प्लीज आपको, इनको कंप्लीट करने दो। हाँ बोलो अरे बोलो मैं बोलो आपसे एक, हाँ दो आवाज आ रही। संस्करण भेजे हैं पुराने, पश्चिमोत्तर और बंग हाँ संस्करण, दोनों में ये ठीक है, मैं सर्ग ही दिखा रहा हूँ, नहीं है पूरा। वो तो दिखा रहे हैं अभी हम, वो तो दिखा ही देंगे, वही तो मैं ये कह रहा था इनसे, जो रामायण के प्राचीन संस्करण हैं उन प्राचीन संस्करणों में तो ये है ही नहीं, लेकिन ये भाई तो महान आदमी है। ये रहा, अच्छा इसको एक्सप्लेन करिए, नटराज हाँ एक्सप्लेन अभी करिए करा, इसको। 109 नंबर एक खुद ही इसमें 109 ही है ना ये। हाँ ये नवशतम, हाँ ये इसके ऊपर वाला। अब इसमें धनवम पूरे सर्ग श्लोक कंचन देखिए, हाँ ये देखिए, ये आ राष्ट्रे रहा है वर्तते, इसमें। ये वाला है। हाँ इसमें तो है ही नहीं है, पूरा सर्ग ही नहीं है हाँ वो भाई, वाला। अरे नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों। नटराज जी इसके पीछे, मैं अभी रामायण का अध्ययन कर रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ ये, उसमें बालकांड के तृतीय सर्ग में और उत्तरकांड के भी कुछ सर्गों में ये जिक्र आता है। उत्तरकांड में तो लोग कुछ खुद बोलते हैं, और बालकांड में वर्णन आता है कि भाई वाल्मीकि जी ने 500 सर्गों में रामायण लिखी हुई है, श्लोक 24,000 है, 500 सर्ग है। तो मैंने क्या किया, गीता प्रेस वाली जो रामायण है उसका हर एक कांड, यानी बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, उसके बाद मतलब अप टू युद्ध कांड, इन सारे कांडों में जितने सर्ग थे ना, अंतिम सर्ग का नंबर जो था वो सारे नंबर जोड़े, उत्तरकांड तो मिलाया अभी नहीं मैंने, युद्ध कांड तक ही वो 534 हो जाते हैं, यानी 34 सर्ग तो सीधा सीधा एक्स्ट्रा है जो वाल्मीकि जी ने खुद मेंशन नहीं कर रखे है, वो भी सिर्फ युद्ध कांड तक। अगर मैं उत्तर कांड जोड़ देता हूं तो ये 600 के ऊपर चला जाता है। अच्छा एक मिनट, इनको एक्सप्लेन कर दे, ये भाई दुविधा में होंगे कि ये क्या दिखा रहे हैं। तो भाई ये देखो, ये रामायण का क्रिटिकल एडिशन है, और क्रिटिकल एडिशन में ये चीज़ नहीं है, यानी कि जो श्लोक जो आप दावा कर रहे हो वो है ही नहीं। तो हमारे पास रामायण के जो प्राचीन संस्करण हैं या रामायण के जो अन्य अन्य संस्करण हैं, अन्य संस्करणों का मतलब ये होता है कि जो अन्य पाठ भेद हैं, तो उसमें ये जो है, ये आप जो श्लोक जो मेंशन कर रहे हो ये है ही नहीं। जैसे अभी ये देखो, ये जो संस्करण आपको दिखा रहे हैं इसमें नहीं है, एक और दिखाता हूँ। हम कह रहे हैं अगर ये सच में ये होता, अगर ये मिलावट नहीं होती, तो ये रामायण के हर संस्करण में अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन रामायण के हर संस्करण में अवेलेबल क्यों नहीं है? अगर ये सही है तो ये रामायण के हर संस्करण में होना चाहिए था ना, क्यों नहीं है? सवाल तो ये है ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये हम कह रहे हैं कि पश्चिमोत्तर अगर, हाँ ये पश्चिमोत्तर संस्करण है, इसमें भी देखिए वो नहीं है। है, हाँ अब दर्शनस्य यहाँ भी 40 आ गया, विविधा बस कर्म ये रहा 40। सौमित्र स्वकृत तदा शुद्ध बाण हस्तास्त्र मेधयान कृष्णय मृगयान दशा। भाई ये तुम्हारा वाला श्लोक कहाँ है? इसमें तो है ही नहीं। पूछो ना कि आखिर हम कह रहे हैं कि ये जो वाल्मीकि, ये जो रामायण दिखा रहे हैं गीता प्रेस का, जो वाल्मीकि रामायण दिखा रहे हैं, तो उस वाल्मीकि रामायण में बुद्ध सोम के पुत्र बताए गए हैं, वो बात ये नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो श्लोक बता रहे हैं उस पर ये अड़े हुए हैं कि मैं वो मानूंगा, तो भाई उसी रामायण में जब बुद्ध सोम के पुत्र बताए गए हैं तो वो नहीं मानेंगे और ये मानेंगे, ये क्या जबरदस्ती है? जबकि मैं कह रहा एक मिनट हूँ सनातन जी, कि रामायण के, सुन भाई भाई भाई, रामायण के अन्य संस्करण यानी कि जो प्राचीन संस्करण है, उन प्राचीन संस्करणों में आप जो श्लोक दावा कर रहे हैं वो श्लोक तो है ही नहीं, ये बुद्ध वाला, ये तो साफ साफ मिलावट है। बाद के लोगों ने, आपके जैसे बुद्धिस्टों ने जानबूझकर रामायण में बुद्ध को दर्शाने के लिए जोड़ चलो दिया। ठीक है, ये तो राम राम के जमाने में बुद्ध को क्या लेना देना यार, बुद्ध बुद्ध से क्या लेना देना है राम का, जब तुम्हारे जातक में तुम खुद ही चिल्ला रहे हो कि बुद्ध खुद ही कह रहे हैं कि मैं ही पूर्व जन्म में राम था, तो वहीं साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि राम बुद्ध से पूर्व थे।
अगर तुम अपने जातक की भी बात मानोगे तो भी राम बुद्ध के बाद नहीं आते, राम बुद्ध से पहले आते हैं, क्योंकि दशरथ जातक में बुद्ध खुद कह रहे हैं कि भाई मैं ही पूर्व जन्म में राम था और देवदत्त पूर्व जन्म में रावण था। तो ये तो तुम्हारे खुद के बुद्ध ही अपने मुंह से बोल के चले गए कि भाई मैं राम से बाद आया हूँ, राम से पहले नहीं हूं मैं। हाँ, खुद के मुंह से और बोले उसी आप। और उस उसी और उन्हीं बुद्ध के समकालीन जैन भी हैं, उन्हीं बुद्ध के समकालीन जैन भी हैं। अगर राम एक मिथकीय पात्र होते, काल्पनिक पात्र होते, तो फिर जैन भगवान राम के ऊपर क्यों लिखते पद्म, क्या नाम है ये, पद्म पुराण, और भी बहुत सारे जैन ग्रंथ हैं जिसमें भगवान राम के बारे में चर्चा की गई है, भगवान राम के बारे में बात की गई है, और उसमें भी भगवान महावीर को बुद्ध कहा गया है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर को बुद्ध कहा गया है। तो तुम्हारा तो बुद्ध पर भी कॉपीराइट नहीं रहा। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, जो राम काल्पनिक नहीं थे, मैं वही बात पे, अगर एक बात भी बता दिया आपने तो मैं आप पे आपकी तरफ से आ जाऊंगा मेरे कि तरफ राम तुम्हारे जैसे अभी ढक्कनों की कोई काल्पनिक। जरूरत नहीं है यार। तुम्हें जब तुम्हें तुम्हें थोड़ी थोड़ी साधारण चीजों का अर्थ नहीं मालूम है तो तुम्हारे जैसे मतलब बेदिमाग वाले आदमी को लेकर मैं क्या करूंगा, मेरी तरफ आने की क्या जरूरत है तुम्हें? कम से कम एक हम घंटा इंटेलेक्चुअल होगा, लोगों का समूह मैंने बना रहे हैं, एक मूर्खों का समूह बना रहे हैं, यार हम मूर्खों का एक समूह बना रहे हैं। काल्पनिक पात्र को आप अरे मानते तुम्हारे खुद हो बुद्ध या काल्पनिक हैं, तुम्हारे खुद के एक बुद्ध बात, बुद्ध पे काल्पनिक हैं। रहो, बुद्ध पे जितनी रहो, भी बुद्ध पे मूर्तियां मिलती रहो। है बुद्ध की मिलती है, और बुद्ध एक्स यार, यार काल्पनिक है। ये कोई मूर्तियां आर्गुमेंट मिलने नहीं से कोई, बनते नहीं मूर्तियां मिलने से कोई वास्तविक हो जाता है, बुद्ध के समकालीन सत्य कोई बोल रहा मूर्ति हूँ। है? नहीं, किताबें मूर्ति मिलने लिखने से से कोई अच्छा ठीक है वास्तविक भाई नहीं भाई हो भाई भाई सकता, भाई ठीक है, किताबें मूर्ति लिखने मिलती से है। भी। नहीं, बुद्ध की मूर्ति सबसे पहली कब की है, बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति कब बनी थी मुझे नहीं पता। तुझे पता क्या है? जिस बाप को तू साबित करने आया उसके बारे में हाँ ढक घंटा तुझे कुछ नहीं मालूम? चल निकल यहां से गधा कहीं का। अरे स्टैचू मैं में कुछ पूछ बैटमैन रहा तो हूं नहीं तो है मुझे यार। ये नहीं मालूम, मैं कुछ पूछ रहा हूं अरे मुझे वो भी नहीं मालूम, मैं जो पूछ रहा हूं मुझे ये भी नहीं मालूम। और बात करेंगे बुद्ध पर, राम विद्यार्थी काल्पनिक है लेकिन बुद्ध जी का आधार कार्ड लेके घूम रही है? विद्यार्थी विद्यार्थी ये कोई स्टैचू तो आर्ग्यूमेंट नहीं बैटमैन है, के भी है मेरे यार। को बस इतना मालूम है, मेरे को बस इतना मालूम है कि बुद्ध का नाम है, मेरे को बस हाँ इतना मालूम। एक्स देखो, अरे सिंपल सी तो, बात है, अरे तो एक्स उत्तरकांड कितना वाले बुद्ध से वाहियात क्या तर्क दे दिक्कत रहे है हैं भाई भाई? साहब, कितना वाहियात तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बुद्ध की नहीं मूर्ति मिली है, इससे बुद्ध बुद्ध की जहां खुद उधर बुद्ध की मूर्ति मिलती है। अरे भाई ये कौन नहीं बताया कि बुद्ध की जितनी मूर्ति मिलती है वो सब कनिष्क के बाद की मिलती है? तो क्या बुद्ध कनिष्क के बाद हुए थे? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है वो सब छोड़ो टॉपिक। मैं तुमको एक बात बताता हूँ। एक्स देखो, तुमने कहा कि व्यक्तिवाचक है, अगर व्यक्तिवाचक है बुद्ध शब्द, तो फिर और भी और बुद्ध का नाम नहीं होना चाहिए, जैसे कि सनातन रविदास ने दिखा दिया। ठीक है, और मैं तुमको बताता हूँ और कहाँ पे आता है बुद्ध शब्द का, मैं बताता हूँ। यहाँ पे जब पहला ही सर्वे खोल लो, पहला ही ये खोल लो, अगर अगर बुद्ध शब्द व्यक्तिवाचक है तो और कहीं बुद्ध शब्द आना ही नहीं चाहिए था। बुद्ध शब्द और जगह आ रहा है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि बुद्ध शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है, बुद्ध शब्द जो जो है वो एक गुणवाचक है, है ना? यानी कि वो ये बता रहा है कि बुद्धि का इंटेलेक्चुअल के सेंस में आ रहा है वो, है ना? राम आप अगर बताओ राम काल्पनिक के क्या है, प्रमाण है, मैं आप कह बताओ रहा हूं राम के राम क्या अगर प्रमाण, काल्पनिक है तो बुद्ध की प्रामाणिकता क्या है? आप पहले बताओ। बुद्ध ने खुद कहा है कि मैं राम के बाद आया हूं, हो गया प्रमाण? तुम बता दो कि राम ने कहीं कहा है कि मैं बुद्ध के बाद आया हूं? तो आपके रामायण में मिलावट हुई है उसमें। हाँ मैं तो 100% कह रहा हूँ रामायण, क्योंकि रामायण के प्राचीन हाँ संस्करणों में है ही नहीं ये बात जो ये तुम बात कह से रहे टाल हो। देंगे आप, ये बात से टाल देंगे बिल्कुल टाल बिल्कुल। देंगे, जैसे तुम टाल रहे थे कि जातक तुम्हारी नहीं है, जातक से जब जातक पोल खुल रही है, हम कह रहे हैं जातकों में भी तो राम का नाम आया है, तो तुम कह रहे हो कि तो ठीक जातक है, एक तो मिनट कथा रुकिए, है। आप नहीं मानते मुझे ना भाई वो देख मिलावट देख हुई भाई है। देख भाई देख भाई सुन सुन, एक सिंपल सी बात पूछूंगा। हाँ भगवान बुद्ध के वास्तविक होने का आपके पास समकालीन क्या प्रमाण है? आप कह रहे हैं कि जहां मूर्ति मिलती है बुद्ध भगवान के, सबूत यह है कि मूर्ति मिलती है। भाई मूर्ति मिलना किसी के होने ना होने का साक्ष्य नहीं होता। समकालीन एविडेंस क्या है? भगवान दो मिनट बुद्ध का रुक जन्म जाइए, कब हुआ था आप बताएंगे मुझे? भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इतना तो बता देंगे कि नहीं बताएंगे? आप आए हैं राम और रामायण पर बात करने के लिए, बुद्ध भगवान को वास्तविक साबित करने के लिए, और आपके पास घंटा एक रेफरेंस नहीं है अपने आप को, अपनी बात को जस्टिफाई करने का। ना आपको बुद्ध शब्द का अर्थ मालूम,
ना आपको तथागत शब्द का अर्थ मालूम, ना आपको ये मालूम कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ना ये आपको मालूम कि बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति कब बनी थी। आपको जब कुछ बुद्ध का जन्म मालूम ही चार नहीं सौ है, नौ बीसी में हुआ था, कब हुआ था? 409 BC 459। BC। गूगल भी सही से कर लीजिए सर। अरे किसको ढूंढ लिया? अब कौन से वाले बुद्ध, अब कौन से वाले बुद्ध को ढूंढा है? कौन से है यार? अरे यार विद्यार्थी जी, चार सौ आपको बुरा नौवन लगा क्या होगा मैंने होता आपको है? रोका तो, नौवन लेकिन नौवन विद्यार्थी जी आपको बुरा लगा होगा मैंने आपको रोका हो, क्या होता लेकिन है? आप बताइए आप इससे बात करने के लायक हो? इसके नौवन पीछे क्या समय होता खराब है? करोगे? अरे 90 कह रहा भाई, एक 90 कह रहा भाई। ठीक है, मत बात कीजिए, मत बात अरे कीजिए। एक्स भाई 1 मिनट, 90 कह नहीं रहे थे नहीं क्या? अब मेरे को बस 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 भाई, मैं भगवान राम को काल्पनिक मानूंगा, तुम बस बुद्ध का वास्तविक सिद्ध कर दो यार। पहले आप बता दो ना राम का। नहीं अब से बताओ ना, मैं तो प्रमाण देने को तैयार हूँ, तुम्हारे बौद्ध ग्रंथों में ही मैं राम दिखा दूंगा, एक जगह नहीं हजार जगह दिखा दूंगा। किताब तुम नहीं एक रखी जगह इसलिए की, राम हुआ, तुम एक जगह देख के सही मरे राम। जा रहे हो, तुम एक जगह मरे जा रहे हो देख के, और हम नहीं, तुम्हारे बौद्ध ग्रंथों में, और तुम्हारे एक ही ग्रंथ में नहीं, तुम्हारे हर ग्रंथ में, चाहे तुम्हारा बुद्ध चरितम हो, चाहे अरिष्टु तुम्हारा पर ही है, त्रिपिटक हो, दो सौ चाहे ईसा पूर्व तुम्हारा के स्तूपों अष्टघोष पर हो, भी है। हाँ, और तुम्हारे बौद्ध ग्रंथ, तुम्हारे बौद्ध धर्म के स्तूपों पर भी भगवान राम का नाम है। इसके अलावा अभी जब बुद्ध की मूर्ति भी बननी नहीं शुरू हुई थी, उससे पहले हमने कई ऐसे वो वीडियोस बना रखे हैं जिसमें हमने ये दिखाया है कि बुद्ध के मूर्तियों से पहले भगवान राम के साक्ष्य अवेलेबल है, मौजूद है। राम के समकालीन तो राम सेतु मिल गया, तुम बताओ ना तुम्हारे बुद्ध के समकालीन क्या मिला है? कुछ मिला है? जिन मूर्तियों की बात कर रहे हो, गौतम बुद्ध की एक भी मूर्ति भगवान गौतम बुद्ध के जमाने में नहीं बनी थी। उनकी सबसे पहली मूर्ति बनी थी कनिष्क के काल में, राजा कनिष्क, वो भी विदेशी राजा था। एक विदेशी राजा और एक ब्राह्मण बोधि, एक ब्राह्मण के नेतृत्व में बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति बनी थी, अश्वघोष के नेतृत्व में, जिसने बुद्ध चरितम लिखा। और जिसने बुद्ध चरितम लिखा उसने ये भी लिखा है कि भाई वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। उसने तो ये नहीं बताया कि भाई वाल्मीकि जी ने चाहे जातक की रचना की है, और उसमें राम जी अब का हर जगह उल्लेख आया है। ये देखो इतनी जगह नाम, ये ये देख ले बुद्ध नरेंद्र चरितम यादव। में, तुम्हें कुछ मालूम है, इसीलिए तुमसे कह रहा था कि तुमसे बात करके, और तुम्हारे जैसे लोग भैया हमारे तरफ नहीं चाहिए यार, अच्छा ना कुशवाहा हमें, जी, मैं आपको फर्स्ट वाला हमारा क्यों दिखा रहा हमारा हूँ ना? जी। अब देखिए, अच्छा बहुत बहुत ये इंटरेस्टिंग बोल है, रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। इनसे अरे प्रमाण देखिए मांग लो जरा, ना बस। अरे आपसे ये इनसे प्रमाण तो इनसे देते हैं, बात आप ही नहीं कुछ मत करते दिखाइए रामायण का, इसको प्रमाण। मत दिखाइए रामायण का भाई, ये मत, ये अच्छा रामायण देखने लायक नहीं है। एक मिनट रुकिए, नहीं मैं बहुत इससे अच्छा ये चीज प्रमाण दिखाऊंगा मैं। मांगिए ना भाई, भाई बुद्ध भगवान का प्रमाण दे दो यार भाई, भाई प्लीज, मैं नहीं वो बुद्धिस्ट बन ग्रैंड व्यू जाऊंगा कह यार, रहे मैं हैं। बुद्धिस्ट बन जाऊंगा, तुम बस भगवान बुद्ध का प्रमाण दे दो यार भाई, मैं बुद्धिस्ट बन जाऊंगा, तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। तुम बस ये ठीक है, बता मैं दो मुझे कि भगवान मालूम नहीं बुद्ध का है। सबसे पहला क्या? खीर खाओगे कुशवाहा जी? मैं खीर भी खा लूंगा, अरे आप नहीं यार बुद्धिस्ट रुक बन जाओ जाओगे तो भाई, खीर भाई 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 खा भाई लूंगा। मैं तुम्हारी तरफ भाई, एक्स 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 भाई, इसका नाम क्या है असली वाला? इसका नाम मैं बताता हूँ, शुभम। शुभम, हाँ शुभम भाई, मैं बुद्धिस्ट बन जाऊंगा अगर तुम बस मुझे भगवान गौतम बुद्ध का उनके समकालीन कोई एक प्रमाण दे दो, तो मैं बुद्धिस्ट बन जाऊंगा भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम, मैं बुद्धिस्ट बन जाऊंगा, तुम बस गौतम बुद्ध के समकालीन एक ढेला भी प्रमाण दे दो, एक ढेला। आपकी कसम। बहुत तुम बेजोड़ा अभी लगाया मुझे ऑफर दे रहे विद्यार्थी थे ना, तुम अभी मुझे ऑफर दे रहे थे ना, लो मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं। चलो ठीक है, आप तो साबित कर दो। मैंने नहीं बताया आपको कि बुद्ध के प्रमाण है, लेकिन आपके राम के प्रमाण तो दीजिए मुझे। कह तो दिया गौतम बुद्ध ने खुद अपने, तुमको भगवान गौतम बुद्ध झूठ हाँ बोलते थे क्या? इसका मतलब जब वो नहीं खुद नहीं कह रहा है झूठ कि नहीं मैं ही पूर्व बोलते, जन्म में राम था, झूठा तो मुझसे फिर अब इससे एक बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए तुमको जी? तुम्हारे खुद नहीं, के ग्रंथों में लिखा हुआ है। खुद के ग्रंथों में लिखा हुआ। आप ये भी हाँ मानने को तैयार है कि बुद्ध काल्पनिक थे, और ये भी मानने को तैयार बुद्ध में राम आया है? कैसा पागल आदमी, गजब आदमी हो यार, हम आप कह रहे हैं कि तो गलत तुम्हारे मुझको। ग्रंथ काल्पनिक थोड़ी है, तुम्हारे ग्रंथ भी काल्पनिक है क्या? तुम्हारे ग्रंथ भी काल्पनिक है? आपके ग्रंथों में, हर ग्रंथ में ऐसी एक भी अच्छी बात नहीं लिखी हुई वही है। काम तो तुम भी कर रहे हो, तुम भी तो ये कहते हो कि रामायण काल्पनिक और उसमें बुद्ध को खोज लिए तुम, वही काम तो तुम भी कर रहे हो, जो लॉजिक मेरे ऊपर लगा रहे हो भाई, वही लॉजिक तो तुम्हारे ऊपर भी लगता है ना। अगर तुमने ये सबूत दे दिया
कि भाई गौतम बुद्ध जी का समकालीन एक भी प्रमाण तुमने दे दिया, समकालीन यानी कि जिस दौर में, यानी कि तुमने उनका तो बर्थडे भी गलत बता दिया यार, तुम इतने मतलब भाई तुमने नाक कटा दिया यार। कब बताया भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था? 409? 400 नोवल, नो नहीं नोवल, 400 नोवल। अच्छा 409 में। कहाँ पढ़ा है यार तुमने ये? इस तरह से तुम लोग बुद्धिज्म को प्रमोट करोगे यार? तुम्हें बुद्धिज्म की बेसिक नॉलेज नहीं है, तुम्हें बुद्ध शब्द का नॉलेज नहीं, तुम्हें तथागत शब्द का अर्थ मालूम नहीं, तुम्हें ये नहीं मालूम कि भगवान बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति कब बनी, तुम्हें ये नहीं मालूम कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ। इतनी जब जनरल चीजें तुम्हें मालूम नहीं है और तुम राम पर बात करोगे? औकात है तुम्हारी बात करने की?